देश की बड़ी शख्सियत और राजनीति के बाबा बोहड़ माने जाने वाले पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल जी का कल देहांत हुआ, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा, जिसके बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से शोक समागम करवाए गए और सभी ने अपने अपने आज के कार्यक्रमों को नज़रअंदाज कर शोक मनाया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में ये देखने को मिला कि वह नुक्कड़ मीटिंगों में व्यस्त है। ताज़ा मामला देखने को मिला जलंधर के पीर बुतला बाजार का, जहां पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। यह सब देखते हुए पत्रकारों ने जब वहां पहुंचे आप नेताओं से ये पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि श्री प्रकाश सिंह बादल जी का देहांत हुआ है, जिस कारण वह अभी किसी से बात नहीं कर सकते और इस मामले में कुछ भी कहने से वह बचते दिखाई दिए क्योंकि राष्ट्रीय शोक है। लेकिन दूसरी तरफ देखने को यह मिला कि ढोल नगाड़े बजाकर आम आदमी पार्टी के नेता जलंधर के सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा, उनके साथ मौजूद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और अन्य नेतागण अपने कैंडिडेट सुशील कुमार रिंकू के लिए वोट मांग रहे थे। वहां पर नुक्कड़ मीटिंग की जा रही थी। यह सब देखते हुए यह नहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं शोक समागम मनाया जा रहा है। बड़े दुख से कहा जा सकता है कि किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। देखिए जलंधर से ईशान जुनेजा के साथ सतीश कुमार कश्यप की पूरी रिपोर्ट। गवर्नमेंट स्कूलों के विच इन्ना सुधार किया जिस तरह तुम दसिया कि जिस वेले कैबिनेट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈ ਹੋਇਓ।